पॉलिटिकल रिवेंज है, ये पॉलिटिकल रिवेंज है। इतने दिनों से जो आदमी पैंडेमिक में जिसने इतना काम किया एज अ मेयर, पूरे कोलकाता के लोगों को जो उन्होंने सर्व किया एज अ पैंडेमिक, इस क्राइसिस समय में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये भाजपा की सरकार ने जो काम किया है ये बहुत गलत है, क्योंकि लोगों को आज बहुत ज़रूरत है बॉबी दास जैसे लीडर का, और हमारी जितने भी नेता उन्होंने बहुत अभी उनकी बहुत ज़रूरत है लोगों को। और इस तरीके का एक केस जो बहुत पुराना था और उस केस का कोई ये नहीं है, कोई वैलिड नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे केस में बॉबी दास और हमारे बहुत सारे लीडर को जो लेके गया है, ये बहुत गलत काम उन्होंने किया है। हमने अभी देखा कि कुछ सपोर्टर बहुत अग्रेसिव हो गए थे, पत्थर वगैरह चलने लगे थे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग इस तरीके का कोई ऐसा काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सपोर्टर्स हैं सब, बॉबी दास के चाहने वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जितने भी लीडर हैं उनके, ममता बनर्जी के चाहने वाले लोग हैं, और सब साइलेंट अपने लीडर के बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के जो ये डिसीजन उन्होंने लिया है। सीबीआई आज के डेट में सीबीआई नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंसी हो गया है। जी, हमने सवाल उठाया जी, मंटू विश्व शर्मा क्यों आज़ाद है, मुकुल राय क्यों आज़ाद है, तो वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे। वही तो मेरा भी प्रश्न है कि एक केस में इतने लोग हैं और क्यों टीएमसी के लीडर्स अभी अरेस्ट हुए, वो लोग क्यों नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर यही दिखता है कि जो भाजपा करेगा उसको किसी चीज़ का सामना करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंगाल की जनता ये दिखाएगी कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर जिस तरह से काम कर रहे हैं, और बंगाल की जनता का ये जो भाजपा का ये प्यार है ये उनके साथ है। आज अभी का प्लान क्या है आप लोगों का? हम लोगों का प्लान, हम लोग कोर्ट गए हैं, हम लोगों को कानून पे पूरा भरोसा है, और जो भी कानूनन हम लोग का जो होगा हम लोग उसी पे आगे जाएंगे। क्या 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 कर जाएंगे? देखिए, जल्द तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, अफसोस है हम लोग का कि आने में हम लोगों को देर हो गया। अगर हम लोग सही वक्त पर पहुंच जाते तो मंजर कुछ और होता, क्योंकि हम लोग मदन मित्रा के अनुगामी हैं, मदन मित्रा के लिए हम लोग जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग मदन मित्रा के सरपरस्ती में सियासत करते हैं, और मदन मित्रा हमारे लीडर हैं, और हम लोग मदन मित्रा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आपको क्या माहौल, ये एक साजिश है बीजेपी वालों की, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम जो माहौल बनाया था और एक ख्वाब देखा था कि मगरी बंगाल पर उनकी हुकूमत बनेगी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, इन लोगों की नापाक साजिशें मगरी बंगाल के आवाम ने नाकाम कर दिया, और इनको लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया, और चारों खाना छीत कर दिया मगरी बंगाल के आवाम ने। और यहाँ पर जो ये इनकी नाकामी हुई है इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कोरोना का जो माहौल है, लोग परेशान हैं, लोग दाने दाने को मोहताज होते जा रहे हैं, और इस समय में उन लोगों को कहीं आप नहीं देख पाइएगा, न फेसबुक पर नज़र आ रहे हैं, न मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। मगरी बंगाल के आवाम के करीब अगर कोई जा सकती है तो वो हमारी शेरनी बंगाला ममता बनर्जी है, उनके सिपा सालार हैं। बीजेपी वालों की ये साजिश है, और गवर्नर को शामिल करके उनको अपना चाल समझाकर, उनको मोहरा बनाकर ये मगरी बंगाल के आवाम को, हमारे मिनिस्टरों को, हमारे लीडरों को दूर रखा जा रहा है, ताकि ये कोरोना के समय में ये लोगों के करीब न जा सके, उनके दुख सुख में साथ ना आ सके, काम ना आ सके, उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम ना कर सके, उनके लिए सेफ होम का इंतजाम ना कर सके। इसलिए ये इन लोगों की साजिश है, और इन साजिश को इंशाअल्लाह रहमान मगरी बंगाल के आवाम इनकी नापाक साजिश को इस बार भी नाकाम करके ही दम लेंगे। और हमारा ये एहतजाज है, हमारे जो लीडर हैं, हमारे एमएलए मदन मित्रा जी, हमारे मिनिस्टर सिराज हकीम, सूरतो मुखर्जी, इन तमाम लोगों को आज ही रिहा करना होगा, वरना हम लोग ने अभी ये एहतजाज शुरू किया है, ये एहतजाज चलता ही रहेगा। लॉकडाउन का क्या होगा, लॉकडाउन का दूसरा दिन था, यही तो उन लोगों का मकसद है। लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारे जो दादा के जो करीबी लोग हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि आप कोरोना का जो ये माहौल है उसको भी थोड़ा सा आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। हम लोग मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस तरह से उलझा दिए हुए हैं कि अब आवाम क्या करे। यहाँ देखिए, कोई किसी का कोई नहीं है, सब एक ही है। कौन है? कोई मदन मित्रा का आदमी है, कोई फिरहाद हकीम का आदमी है, कोई तृणमूल कांग्रेस का आदमी है, कोई ममता बनर्जी को चाहने वाला है। अब हम लोग तो किसी को
ऑर्डर नहीं कर सकते हैं ना। अब हम लोग कमरट्टी साहेब मदन मित्रा के लिए आए हैं, खिदिरपुर चेतला फिरादकीम के लिए आए हैं लोग, बालीगंज टालीगंज। तो बात है कि अब किसको किसको रोका जाए। ये माहौल तो ये बीजेपी वालों ने ही ये माहौल बनाया। पत्थरबाजी किसने की थी? पत्थरबाजी किसी ने नहीं की है। ये अचानक एक देखिए, जब भीड़ होती है तो भीड़ में कभी कभी आपस में ही धक्कम धुक्का हो जाता है। उसी धक्कम धुक्का में ब्रेकेट थोड़ा सा हिल गया। मिलिट्री वालों को आर्मी वालों को पता नहीं क्या सोचा, उन लोगों ने अंधाधुंध लाठियां चलानी शुरू कर दी। हम लोगों ने देखा मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर मेरे बगल से गिरा। तो इसमें सब टीएमसी के लोग ही शामिल हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें कोई साजिश करने वाले ये बीजेपी के वाले या फिर हमारी एकजहती को तोड़ने की खातिर कोई नापाक साजिश इसमें काम कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग अवरोध कर रहे हैं, कोई तशद्दुद की तरफ दहशतगर्दी की तरफ हम लोग जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग खामोश नहीं, मतलब समझिए इत्मीनान बख्श एहतजाज करेंगे। हम अपने नेताओं की हिमायत में स्लोगन लगाएंगे, हम मुखालिफ पार्टी के खिलाफ हम स्लोगन लगाएंगे। हमारा ये स्लोगन चलता रहेगा, मदन मित्रा जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, फिराद हकीम जिंदाबाद, सुब्रत मुखर्जी जिंदाबाद, मगरी बंगाल के आवाम जिंदाबाद। छोटा ही सा बोलेंगे, थोड़ा सा एक बड़े चांदान जी जी बोलिए। यहाँ पर आप आए हैं, क्या मांगे आप? हम लोग माँ माटी मानुष की सरकार के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। इस पैंडेमिक में हम लोग हर किसी की सहायता करने में लगे हैं। मैं खुद पिछले महीने कोविड का पेशेंट था, उससे बाहर निकला। आज ममता बनर्जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उससे बचकर बाहर निकला। लेकिन मजबूर हो गए आज यहाँ आने के लिए। इतनी गंदी और घटिया राजनीति, जहाँ आज देश में एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है, अच्छे लीडर की ज़रूरत है। ममता बनर्जी, बॉबी हकीम, मदन मित्र जैसे लोगों की ज़रूरत है कि लोगों के पास खड़े होकर उनकी ज़िंदगी बचा सके। वहीं पर बहुत शर्मनाक बात है कि बॉबी हकीम को और हमारे मदन मित्रा साहब को, सुब्रत मुखर्जी साहब को अरेस्ट करके इस बात को साबित किया है कि हमारी प्रधानमंत्री जी देश से बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये राजनीति नहीं करते तो इतने लोग मारे ना जाते, ये गंदी राजनीति ना करते तो आज हमारे बॉबी हकीम, मदन मित्र साहब, सुब्रत मुखर्जी साहब को अरेस्ट ना करते। क्योंकि ये वक्त अरेस्ट करने का नहीं है, ये वक्त सबको साथ लेकर चल करके आवाम को बचाने का है। इसलिए हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, मोदी का और मोदी के पूरे राज्य का, सरकार का हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं कि इस गंदा और घटिया राजनीति से बाज आ जाइए। आज आवाम को जरूरत है कि आवाम को बचाना है, आज आवाम को जरूरत है इस पैंडेमिक से बाहर निकालना है। आज इतनी गंदी और घटिया राजनीति में आवाम आपके साथ नहीं है, आप पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेशन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, लेकिन आज आप अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जहां जरूरत है आवाम को बचाने की, जहां जरूरत है मेडिसिन की, जहां जरूरत है ऑक्सीजन की, जहां जरूरत है बेड की, जहां जरूरत है वेंटिलेशन की, इन सब चीज में आप टोटल फेलियर हैं। और ऐसी गंदी राजनीति करके आप ममता बनर्जी, बॉबी हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रों की आवाज को दबा नहीं सकते। आप जितना दबाएंगे हम उतना उठेंगे। इसीलिए कहते हैं आपके माध्यम से, ममता बनर्जी तुम लड़ती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हार, बीजेपी को ये हार बर्दाश्त नहीं हुआ है, बंगाल का हार। ये इसलिए इन लोग को डिस्टर्ब करने आए हमारे लीडर जनाब फिराद हकीम साहब को, जो हमेशा से लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोगों का यही मांग है कि जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, नहीं तो प्रोटेस्ट ऐसे किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। हम लोग अगर बेल नहीं देंगे, उनको रिलीज नहीं करेंगे, तो रात भर हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे।